हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नम्स रेसिपी। आज हम बना रहे हैं मूली का पराठा। और उसके लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ लेंगे। आटे के लिए मैंने लिया है 2 कप आटा और 2 स्पून हम ऑयल ऐड करेंगे, 1 पिंच नमक। और पानी के सहायता से हम इसको सॉफ्ट गूंथ लेंगे, वैसे ही जैसे हम चपाती के लिए, पराठे के लिए आटा गूंथते हैं। आटा तैयार है। हम इसमें ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा करके इसको सॉफ्ट होने के लिए ढक करके इसको हम थोड़ी देर रख देंगे, जब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। और स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 2 मूली जो कद्दूकस कर लिया है। इसमें से हम पानी निकालेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में पानी होता है, तो हम अच्छे से हाथ धो लेंगे और पानी इसमें से निचोड़ लेंगे। और मैंने पैन गर्म करने रख दिया है। हम इसमें हाफ स्पून, छोटा स्पून ऑयल डालेंगे और इसमें हम कद्दूकस किया हुआ मूली डाल देंगे। बिना ऑयल के भी हम इसको बना सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें मिर्च और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच छोटा चम्मच नमक या फिर स्वादानुसार नमक। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको 4-5 मिनट के लिए ही हम पकाएंगे। इसको पकाना ज़्यादा नहीं है, हमको सिर्फ मसाले इसमें अच्छे से मिक्स करना है और ये हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखिए, इसमें इसको हम धीमी आंच पे ही करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जब सारा सामग्री अच्छे से मिल जाए तो हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और स्टफिंग हम तैयार कर लेंगे। और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। और इसको फिर हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, उसी साइज़ का जिस साइज़ का हमने आटे का बॉल बनाना है। और उसमें पराठे फिर हम तैयार करेंगे। हम आटे की सहायता से जो पराठे बनाने हैं, हम आटे की सहायता से इसको थोड़ा बेल लेंगे और इसके बीच में, मिडिल में हम स्टफिंग डालेंगे और इसको अच्छे से हम पैक कर लेंगे। इसको हल्के हाथों से हम थोड़ा सा दबाएंगे ताकि ये चारों तरफ से फैल जाए। और आटे की सहायता से ही हम इसको बेलेंगे। हल्के हाथों से ही हमको इसको बेलना है ताकि स्टफिंग बाहर ना निकल जाए। मैंने पैन गर्म करने, तवे गर्म करने रख दिए हैं। मीडियम फ्लेम पे ही हमको इसको पकाना है ताकि अच्छे से पक जाए। और जैसे हम पराठे बनाते हैं हमको वैसे ही इसको सेकना है। एक साइड से सीखने के बाद इसको हम पलट देंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल चारों तरफ से। आप चाहे तो घी पे भी बना सकते हैं, बट ऑयल में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। हम इसको पलटा के दोनों साइड से तेल लगा करके अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, अच्छे से सीख गया है, रेडी हो गया है। दोनों साइड से बराबर अच्छे से सेकने के बाद हम इसको निकाल लेंगे, तैयार है। अब हम दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। 2 पराठे पहले बेल लेना है और इसमें 1 पराठे में 2 चम्मच स्टफिंग डाल करके चारों तरफ फैला देना है। और अच्छे से फैलाने के दूसरा जो पराठा रहेगा उसको हमको इसके ऊपर लगा करके कॉर्नर से मोड़ देना है या फिर दबा देना है इस तरह से। इस तरह से बनाने में जो स्टफिंग होता है वो बाहर नहीं निकलता है, अच्छे से लगा रहता है उसमें। हल्का सा इसमें बेलन चला देंगे
ताकि चारों तरफ से ये फैल जाए और अच्छे से स्मूथ हो जाए। इसको भी हम वैसे ही सेक लेंगे। हमें ये मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है ताकि अच्छे से पराठे सिक जाएं। देखिए हमारा पराठा तैयार हो गया है। हम इसी तरह से सारा पराठा तैयार कर लेंगे और इसको सॉस, अचार, दही, सब्जी किसी के साथ भी आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब्स माई वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।